Himalaya Quista Pro has superior protein whey. The healthy way to fitness. राजधानी लखनऊ में शनिवार को हजरतगंज इलाके में एक ऐसी घटना होने से बची जिसमें कई लोगों की जान जा सकती थी। दरअसल हजरतगंज इलाके में बनी याजदान बिल्डिंग की अलाया अपार्टमेंट में लखनऊ विकास प्राधिकरण के आदेश पर तोड़ने का काम किया जा रहा था। इस दौरान बुलडोजर मशीन से बिल्डिंग तोड़ने के दौरान बिल्डिंग का एक हिस्सा अचानक भरभराकर गिर गया, जिसका मलबा बिखर कर गली के किनारे बने मकानों और गाड़ियों पर आ गिरा। गनीमत ये रही कि इस दौरान किसी को चोट नहीं आई, लेकिन अब लखनऊ विकास प्राधिकरण की तरफ से बिल्डिंग के आसपास के क्षेत्र को सील करके सावधान के बोर्ड लगा दिए गए हैं। देखिए हमारे सहयोगी संतोष कुमार की ये रिपोर्ट। लखनऊ के हजरतगंज इलाके में स्थित याजदान बिल्डर के अलाया अपार्टमेंट को लखनऊ विकास प्राधिकरण ध्वस्त कर रहा था। कल इसी ध्वस्तीकरण के अभियान के दौरान एक बड़ा हादसा टल गया। मुंबई की जिस कंपनी को इस 6 मंजिला इमारत को गिराने का ठेका दिया गया था, अचानक से यह ध्वस्तीकरण का काम चल रहा था कि पूरी बिल्डिंग का एक हिस्सा अचानक से ढह गया, जिसकी वजह से इस पूरे इलाके में जो ये जो गली आप देख रहे हैं, ये पूरी गली पर मलबा बिखर गया। जो जेसीबी जो इस ध्वस्तीकरण के काम में लगी थी वो भी क्षतिग्रस्त हुई। दूसरी मशीन को बुला करके रास्ता साफ किया गया। कल इस पूरे रास्ते पर मलबा फैला हुआ था और ये जो पूरा एक हिस्सा है आप देख रहे हैं किस तरीके से अचानक पूरा ढह गया, जिसकी वजह से आसपास के जो घनी बस्ती का इलाका है, वहां पर जो घनी बस्ती में जो घर हैं वो भी क्षतिग्रस्त हुए हैं, लोगों की गाड़ियां टूटी हैं। अब इस पूरी इमारत को गिराने के लिए मैन्युअली यानी कि मजदूरों की मदद से पूरी इमारत गिराई जाएगी, मशीन का उपयोग नहीं होगा। लखनऊ विकास प्राधिकरण ने इस पर स्पष्ट आदेश दे दिए हैं। वहीं दूसरी तरफ इस बिल्डिंग के चारों तरफ एक पट्टी लगा दी गई, कॉशन पट्टी जिसको कहते हैं, जिस पर साफ लिखा है कि यहां बिल्डिंग का ध्वस्तीकरण का कार्य चल रहा है, कृपया सावधान रहें। चारों तरफ इसी तरीके की पट्टी हर गली में लगा दी गई ताकि आने जाने वाले लोग निकल सकें, लेकिन सतर्कता के साथ कि वो सतर्क रहें, क्योंकि ये बिल्डिंग गिराई जा रही है। कल एक बड़ा हादसा टला है और अब इस हादसे के बाद से पूरी जो बिल्डिंग है उसको मजदूरों की मदद से गिराया जा रहा है। अब घटना के बाद प्राधिकरण के अधिकारी भले ही मैनुअल बिल्डिंग को तोड़ने की बात कर रहे हो, लेकिन सवाल है कि अगर किसी भी व्यक्ति की इस हादसे में जान चली जाती तो कौन इसका जिम्मेदार होता? क्या इतनी ऊंची बिल्डिंग जिसके आसपास गली में इतने मकान हैं, उसे ऐसे तोड़ना उचित था? बता दें कि प्राधिकरण के द्वारा लोगों को हुए नुकसान की भरपाई करने के लिए मुआवजा देने की बात कही गई है। ऐसे में आगे आने वाले दिनों में देखना होगा कि स्थानीय लोगों को मुआवजा मिलता है या नहीं। लखनऊ से संतोष कुमार की रिपोर्ट, यूपी तक।